नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क बिहार के सियासत में। रघुवंश प्रसाद सिंह और लालू प्रसाद यादव एक दूसरे के पर्याय माने जाते हैं। दोनों नेताओं ने राजनीति को संभावनाओं का खेल को गलत साबित करते हुए कभी एक दूसरे का दामन नहीं छोड़ा। बुरे से बुरे वक्त में भी रघुवंश प्रसाद सिंह ने लालू यादव का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले रघुवंश प्रसाद सिंह राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर बिहार की राजनीति में उबाल ला दिया है, वो भी ऐसे वक्त में जब पार्टी अंतर्कलह से जूझ रही है और खुद कोरोना से पीड़ित रघुवंश प्रसाद सिंह पटना एम्स में भर्ती हैं। दरअसल एम्स में ही उन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और पार्टी के भीतर हाल ही में हो रहे डेवलपमेंट को लेकर अपनी गहरी नाराजगी जताई है। रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा है कि हमने हमेशा पार्टी के कठिन वक्त में साथ दिया, लेकिन आज बेहद आहत हूं और दुखी भी, इसीलिए हमने एम्स से ही इस्तीफा भेज दिया है। रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपनी व्यथा जाहिर करते हुए कहा कि जब हम अस्पताल में भर्ती हैं तो जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, इस बीच ही पार्टी में जिनको शामिल किया जा रहा है ये पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बात को लेकर मैंने पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव को इससे अवगत कराया था, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था, फिर भी पार्टी क्या कर रही है। तब हमने फैसला कर लिया और तत्काल पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र भी भेजूंगा। हम आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व सांसद और बाहुबली रामकिशोर सिंह उर्फ रामा सिंह चुनाव से ठीक पहले लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी का दामन थामने की बात कही जा रही है। चर्चा है कि रामा सिंह 29 जून को राजद ज्वाइन करेंगे, इसी बात से रघुवंश प्रसाद सिंह नाराज चल रहे हैं। 2 दिन पहले ही रामा सिंह ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की है और चर्चा ये है कि उनके साथ ही स्वर्ण समाज के कई अन्य नेता भी आरजेडी में शामिल हो गए। किसी जमाने में लालू और रघुवंश के कट्टर विरोधी रहे हैं और रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे कद्दावर नेता को वैशाली से 1 लाख से ज़्यादा मतों से हरा चुके हैं। रघुवंश प्रसाद सौम्य स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, तो दूसरी तरफ रामा सिंह बाहुबली के तौर पर इलाके में जाने जाते हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि इसके बावजूद आरजेडी अगर रामा सिंह को पार्टी में शामिल कर लेती है तो रघुवंश प्रसाद सिंह पार्टी छोड़ने से भी गुरेज नहीं करेंगे, लेकिन आरजेडी कुछ और ही दावा कर रही है। कपे तपाए नेता हैं, इस दल के संस्थापक नेता हैं, उनको मनाने की कोई आज के नेता नहीं है, वह स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के सहयोगी रहे हैं, जयप्रकाश के आंदोलन की उपज है, कभी उनका पैर डिगने वाला नहीं, एक से एक चीजें उनके सामने आई, कभी डिगी नहीं। हम लोग की शुभकामना है कि स्वस्थ होकर के जल्दी शहर पर आवे और समाजवादी आंदोलन का जो झंडा है, जिस झंडे को लोग चाहते हैं झुका देना, उसको ताकत दें। समाजवादी आंदोलन की ताकत है, मैं नहीं समझता हूँ, हम लोग से संपर्क नहीं हो पा रहा है, आइसोलेशन में है। आज के दिन पूरे बिहार के नौजवान हमारी पार्टी उनको सभी में कह रहा हूँ, कभी जिसने स्थापना में दल की ताकत किया है वो कभी चाहेगा उसी का स्थापित यह जो गतिविधि आज आगे छाया देने के लिए, आम जन के लिए छाया देने के लिए, फल देने के लिए आज पूरा वृक्ष तैयार है, उस पर कभी उस वृक्ष को लगाने वाला कोई निर्दयी जो है ये नीतीश कुमार, वो जिस पर जो भी हथियार चला दे, लेकिन संस्थापक नेतृत्वकर्ता आदरणीय रघुवंश बाबू हम लोग की सम्मानित नेता है, हम लोग के साथ रहेंगे। हम लोग हालांकि जेडीयू भी रघुवंश प्रसाद सिंह के पार्टी में शामिल होने के सवाल पर सदा जवाब दे रही है। तो रास्ता खुला हुआ है उनके लिए, रास्ता खुला और बंद कहाँ होता है। रघुवंश बाबू एक सम्मानित नेता है, वो जब अगर कोई पार्टी में आने की इच्छा व्यक्त करेंगे तब फिर हम लोग उस पर विचार करेंगे। और सर ये अभी चुनाव विधानसभा चुनाव है सर, अभी चर्चा है कि जेडीयू के संपर्क में कई और विधायक है दूसरे पार्टी हो गए, क्या तो माने के आने वाले समय में और अभी तो समय बताएगा, अभी उस पर क्या बताया जाए। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा कि रामा सिंह को पार्टी में
शामिल किए जाने की खबर से नाराज रघुवंश प्रसाद सिंह का अगला कदम क्या होगा। बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है, ऐसे में नए सरकार के गठन तक राज्य में हर रोज नया सियासी पैतरा देखने के लिए तैयार रहिए। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, पटना।